नमो माँ सरस्वती, तो मेरी हंसवाहिनी माँ, वीणा पुस्तक धारिणी, तो मई लाज तुम्हारे हेलो। तो एक कृष्ण जी का भजन, कृष्ण सुदामा के किस्से से लेके चलते हैं। जब सुदामा जी कृष्ण जी के पास कृष्ण जी से मिलने पहुंचते हैं द्वारका, तो द्वारपाल उन्हें अंदर महलों में घुसने नहीं देते हैं और वो बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत अरदास करते हैं कि तो सुदामा जी कहते हैं कि भाई मेरे बचपन का यार है वो, और हम दोनों साथ में पढ़े हैं, बहुत जीवन साथ में बिताया है, मुझे जाने दो। तो सुदामा जी का इस तरह का वेश देख के, गरीब हालात देखकर, तो वो द्वारपाल अंदर घुसने नहीं देते हैं महलों में। तो किस तरह से सुदामा जी अरदास करते हैं द्वारपालों से, किस तरह से इस भजन में कैसे लिख दिया बोला, किस तरह बता दिया। हर इतना दिया मेरे मालिक ने, उतनी तो मेरी औकात नहीं, ये तो प्रेम है मेरे काना का, वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सांवरे सरकार की। जय हो भाई, इसके बाद इस तरह से कैसे कहते सुदामा जी। हाँ ब्रज का कन्हैया मेरा, बताते हैं कि ब्रज का कन्हैया मेरा, ब्रज का कन्हैया मेरा, बचपन का यार था, बचपन का यार था, आज भी है और भी रहेगा। उसके बिना तो मेरा जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और भी रहेगा, आज भी है छोड़ भी रहेगा।
काहे से तेरा यार सुदामा है कौन से ब्रज के द्वारे से तेरा यार सुदामा है कौन से ब्रज के द्वारे से उसी के बिना तो मेरा उसी के बिना तो मेरा जीना दुश्वार था जीना दुश्वार था आज भी है और कल भी रहेगा आज भी है और कल भी रहेगा कि अगर उसे ऐसा लगता हो कि मैं गरीब हूँ तो वो राजा है मैं कुछ उससे मांगने आया हूँ तो ऐसा नहीं है ना चाहिए कुछ मुझको उसे कुछ देने आया हूँ ना चाहिए कुछ मुझको उसे कुछ देने आया हूँ जो खाए थे उसके चने लौटाने आया हूँ जो खाए थे उसके चने लौटाने आया हूँ ना चाहिए कुछ मुझको उसे कुछ देने आया हूँ जो खाए थे उसके चने लौटाने आया हूँ जो खाए थे उसके चले लौटाने आया हूँ आया हूँ छुपाने उसका आया हूँ छुपाने उसका जो भी मुझ पे भार था जो भी मुझ पे भार था आज भी है और कल भी रहेगा आज भी है दरबार की।